वेलकम टू राजर्षि क्लासेस दिस इज अवर फर्स्ट वीडियो अबाउट बायोलॉजी सब्जेक्ट टेंथ स्टैंडर्ड एस एस सी स्टेट बोर्ड अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए सो वेलकम टू राजर्षि क्लासेस सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम फाइलम कॉर्डेटा ओके सो दिस इज अ

द फाइलम कॉर्डेट इज क्लासिफाइड इंटू थ्री सब फाइलम अब ये जो कॉर्डेट है ये दिस इज अ फाइलम इज क्लासिफाइड इंटू थ्री सब फाइलम फॉलोइंगस आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द फाइलम कॉर्डेट्स कुछ जो कैरेक्टर्स दिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉर्डेट के सो फर्स्ट इज द नोटो कार्ड इज प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यूरिंग एटलीस्ट एनी डेवलपमेंट स्टेज एट एटलीस्ट एनी वन डेवलपमेंट स्टेज देर इज अ प्रेजेंट नोटो कार्ड ऑन देअर बॉडी ओके सेकंड वन इज फेरेंजियल गिल्सलिट्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यूरिंग एटलीस्ट एनी डेवलपमेंट स्टेज पूरी डेवलपमेंट स्टेज में फेरिंगियल गिल्स लिट भी बॉडी में जो है प्रेजेंट होता है देन सिंगल ट्यूबुलर स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन डोरसल साइड ऑफ द बॉडी एक ट्यूबुलर स्पाइनल कार्ड जो है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी एंड हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी सो दैट Four characters are very important in the phyla chordates. Hmm? So, uh, once again, we repeat it. So first uh, character is what? Notocard is present in the body during at least one development stage. Second one is the pharyngeal gill slit are present in the body during at least one uh, development stage. Then, single टूबुलर स्पाइनल कार्ड इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी ऊपर के साइड में हमको क्या दिखता है ट्यूबुलर स्पाइनल कार्ड और हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल सॉरी वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी और हार्ट कहा रहता है उसके नीचे सो फर्स्ट सब फाइलम इज वो कार्डेट्स फर्स्ट सब फाइलम इज यूरोडेड दीज आर अ मरीन एनिमल्स ये जो होते हैं ये मरीन एनिमल्स होते हैं देयर बॉडी इज कवर्ड बाय अ स्किन लाइक टेस्ट और ट्यूनिक ये जो आपको बाजू में साइड में पिक्चर दिख रहा है हाँ ये जो पिक्चर दिख रहा है आपको उसी में आपको समझ में आएगा कि ये जो उसकी बॉडी जो है आ, स्किन लाइक है पूरी स्किन के जैसे दिख रही है एंड स्किन लाइक टेस्ट और ट्यूनिक दिख रही है ठीक है लार्वा ऑफ दिस एनिमल्स आर फ्री फ्रीली स्विमिंग इसका जो लार्वा है वो फ्रीली स्विमिंग करता है एंड नोटोकॉड इज प्रेजेंट ओनली टेल रीजन ऑफ द लार्वा और नोटोकॉड कहाँ पर प्रेजेंट है इसके टेल रीजन पे प्रेजेंट है सो हेंस दे आर कॉल्ड एज द यूरोकॉर्डेट वाई इट इज कॉल्ड यूरोकॉर्डेट बिकॉज द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ऑफ दैट लार्वा ऑन द टेल साइड उसके टेल साइड में नोटोकार्ड है इसीलिए इसे यूरोड कहा जाता है लार्वा इज मेटामॉर्फोस मार्फोस इन टू एडल्ट स्टेज एडल्ट आफ्टर सेटलिंग डाउन एट बॉटम ऑफ द सी और लार्वा जो है जब उसका मेटामोफोसिस uh, होते रहता है वो इन टू एडल्ट एडल्ट में जो वो कन्वर्ट होते रहता है तब तो वो कहाँ पर सेटल्ड होता है डाउन सेटल्ड डाउन एट द बॉटम ऑफ द सी सी के बिल्कुल बॉटम में जाके वो सेटल हो जाता है जनरली दीज एनिमल्स आर अ हर्माफ्रोडाइट हर्माफ्रोडाइट मीन्स यू नो दैट बोथ ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन आर प्रेजेंट ओके सो दैट इज हर्मा एनिमल ओके एग्जाम्पल्स आर एग्जाम्पल आर वॉट एग्जाम्पल आर हर हर्डमैनिया डोलियोला एंड आयकोप्लूरा ये तीन जो है इसके एग्जाम्पल है विच वन इज दैट एग्जाम्पल हर्डमैनिया डोलीओला उसके पिक्चर्स भी साइड में आपको दिख जाएंगे हु? और को यू को प्लूरा एटसेट्रा ओके नेक्स्ट इज द नेक्स्ट सब फ्लाइब सब फाइल इज वर्ड सीफेलो कॉर्डेट सीफेलो कॉर्डेट दिज आर अ स्मॉल फिश लाइक मेरीन एनिमल ये दिख रहा है आपको साइड uh, में स्ट्रक्चर दिज आर अ स्मॉल ये छोटा होता है और कैसे दिखता है फिश लाइक -like दिखता है और ये कहाँ पे रहता है मेरीन मरीन एनिमल से मतलब मरीन वाटर में रहता है ओके नोटोकार्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी लेंथ नोटोकार्ड कहाँ पर प्रेजेंट है इसका पूरे बॉडी में प्रेजेंट है हम्म द बॉडी लेंथ एंड फैरिंग्स इज ऑल्स वेरी लार्ज एंड गिल गिल्सलिट फैरिंग जो है दिख रहा है पिक्चर में लार्ज है लार्ज साइज का है और वो जो है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है गिल्सलिट प्रेजेंट होता है hmm? you that? These are और ये जो है एनिमल यूनिसेक्सुअल होता है इसमें एक ही सेक्स ऑर्गन होता है इसीलिए इसे यूनिसेक्सुअल कहा जाता है एंड एग्जाम्पल इज बॉल्ड एम्फियोगस हम्म एम्पियोगस इज द एग्जाम्पल यहाँ पे जो पिक्चर दिखा है उसे आप अच्छी से देखिएगा नोटोकार्ड दिख रहा है आपको पूरे बॉडी में hmm? Then, nerve cord भी दिख रहा है उसके अंदर नर्व दिख रही है हमको सेगमेंटल मसल्स दिख रहे है ऊपर देन hmm? नीचे आप, उसके साइड में देखिए आप एनस है इंटेस्टाइन hmm? भी है अंदर लीवर भी है अंदर फेरेंजियल गील्स भी दिख रहा है हमको और गोनेट्स भी दिख रहे है ठीक है सो दैट इज द

ओके इन दिस एनिमल हेड इज वेल डेवलप्ड और ये जो एनिमल्स होते हैं मतलब कॉर्डेट के जो भी एग्जांपल है उसका हेड इज वेल डेवलप होता है ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रैनियम उसका ब्रेन जो है ऊपर के भाग से एक, कवर होता है और उसे क्या कहेंगे हम क्रैनियम कहेंगे एंडोस्केलेटन इज आइदर कॉर्टिलेजिनस और बोनी एंडोस्केलेटन कैसा होता है भी रहता है या फिर बोनी भी होता है मतलब बोन भी होता है बोन भी होते हैं उसमें सम कॉर्डेट्स आर जॉलेस और कुछ कॉर्डेट जो है जॉलेस उसको जॉ नहीं रहता है जॉ मीन्स मुंह मुंह नहीं रहता है और वेरा सम आर थ जॉ और कुछ जो कार्डेट्स है इसके एग्जाम्पल्स है उसमें मुंह होता है जो जिनके जो जॉलेस होते हैं उसे बोलते हैं एग्नाथा एंड जो विथ जॉ होते हैं उसे ग्नेथोस्टोमैटा कहा जाता है सो नेक्स्ट 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 यू सी सब फाइलम बराबर सब फाइलम वर्टिब्रेट इज डिवाइडेड इंटू सिक्स क्लासेस वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इन टू सिक्स क्लासेस विच वन इज दैट फर्स्ट वन टेक हियर साइक्लोस्टोमेटा फर्स्ट क्लास इज वॉट साइक्लोस्टोमेटा इन दैट साइक्लोस्टोमेटा दिज एनिमल्स हैव जॉलेस माउथ प्रोवाइडेड विथ सकर मतलब ये जो एनिमल्स होते हैं साइक्लोस्टोमेटा के क्लास के उसमें जॉ नहीं होता है उन्हें उसमें क्या होता है सकर होता है ओके okay? सकर यू हैव टू सी द पिक्चर जो साइड में दिया है वो पिक्चर देखिए आप वहां पे मुंह के जगह पे सकर है ओके देन आईज गिल स्लीड भी है उसमें बॉडी भी बॉडी दिख रही है उसकी सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट दिस एनिमल्स हैव जॉलेस माउथ प्रोवाइडेड विथ सकर देन देयर स्किन इज सॉफ्ट एंड विदाउट एनी स्केल्स इसकी स्किन कैसे होती है एकदम सॉफ्ट होती है और स्केल्स नहीं होते जैसे फिश पे स्केल्स दिखते हैं ना हमको वैसे स्केल्स नहीं होते पेयर्ड अपडेज आर प्रेजेंट इसमें अपेंडेजेस कैसे है पेयर्ड है मतलब पेयर होते हैं वो एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस उनका उसका एंडोस्केलेटन कैसा होता है अंदर का स्केलेटन वाला पार्ट जो होता है वो कैसा होता है कार्टिलेजिनस होता है मोस्ट ऑफ द एनिमल आर एक्टोपैरासाइट्स और मोस्ट ऑफ ये जो एनिमल्स हैं एक्टो होते हैं मतलब दूसरे पे डिपेंड्स होते हैं एग्जाम्पल इज वॉट पेट्रोमैगजन माइग्जीन एटसेट्रा टू एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर पेट्रोमैगजीन एंड मैगजीन एटसेट्रा देन सेकेंड वन सेकेंड क्लास इज वॉट पीसेस पी आई एस सी ई एस पीसेस दीज आर अ कोल्ड ब्लडेड एक्वेटिक एनिमल अब ये जो है पीसेस क्लास के जो एनिमल्स हैं वो कैसे होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं मतलब ये फ्रीजिंग टेम्परेचर से लेके तो सराउंडिंग का टेम्परेचर जितना भी रहे हाँ उस टेम्परेचर में वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं

अनपेयर्ड फिन मतलब उसके जो पेयर्ड फींस uh, uh, जो होते हैं फिन यानी मालूम है आपको उसके पंख जो साइड में होते हैं वो कैसे होते हैं पेयर्ड भी होते हैं मतलब साथ साथ में दोनों दिखते हैं आपको या फिर अलग अलग भी दिखते हैं सो दे हैव अ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन फॉर स्विमिंग ये जो फींस है वो किसके लिए यूज होते हैं स्विमिंग के लिए यूज होते हैं टेल फिन इज यूजली एज अ स्टेयरिंग ऑर्गन ड्यूरिंग स्विमिंग टेल uh, फिन जो होती है उसके टेल के जो फिन्स होते हैं वो कैसे होते हैं hmm? वो स्टीयरिंग ऑर्गन है ड्यूरिंग स्विमिंग वो स्टीयरिंग करता है जब जो एनिमल स्विम करते रहता है तब हम्म hmm. उसका exoskeleton, बाहर का skeleton कैसा होता है? Scale से बना होता है है से बना पे आपको scales दिखते हैं आइदर कार्टिलेजिनस और बोनी का हम्म hmm. मतलब कार्टिलेजिनस भी होता है और बोनी भी होता है मतलब बोन्स के जैसे भी दिखता है ठीक है नेक्स्ट यू सी द रेस्पिरेशन गिल्स इसका रेस्पिरेशन कहा से होता है गिल्स से होता है फिश को गिल्स होते हैं यू नो दैट एग्जाम्पल इज वॉट रोहू पॉम्प्रेट सी हॉर्स शार्क इलेक्ट्रिकल रे एंड स्टिंग रे एटसेट्रा ये जो है इसके एग्जाम्पल्स है यू हैव टू नोट डाउन दैट नेक्स्ट इज द क्लास एम्फीबिया उसके बाद का जो क्लास है वो क्या है Hmm? है। है, hmm? ये जो डूरिंग रेस्पिरेशन वेर एज दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन द लैंड ड्यूरिंग एडल्ट लाइफ जब ये छोटा होता है मतलब लार्वल lar स्टेज में होता है तो वो स्ट्रिक्टली एकवेटिक होता है मतलब पूरा पानी में ही रहता है ड्यूरिंग लार्वल लाइफ एंड परफॉर्म ओनली एक्वेटिक रेस्पिरीशन और जो रेस्पिरीशन लेता है वो एक्वेटिक रेस्परेशन लेता है ठीक है वेर एज दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन दैंड लेकिन ये लैंड पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है हुँ? तो लैंड पे कब रहता है ये ड्यूरिंग एडल्ट लाइफ एंड कैन परफॉर्म एक्वेटिक एज वेल एज अ एरियल रेस्पिरेशन मतलब ये दोनों टाइप का रेस्पिरेशन कर सकता है एक्वेटिक रेस्पिरेशन भी कर सकता है और एरियल रेस्पिरेशन भी बाहर हवा में भी वो रेस्पायर कर सकता है मतलब श्वास ले सकता है सो दे हैव टू पेयर्स ऑफ एपेंडेजेस इसको आ, इसके जो हैं वो कैसे है? में है, Digital without clause, और इसके जो है है नहीं होते without होते है ये ठीक अपनेट इसका बाहर का जो स्केलेटन स्किन इज विदाउट एनी डेरिवेटिव एंड कीप मॉइस्ट फॉर रेस्पिरेशन इसका स्किन कैसा होता है मॉइस्ट होता है Hmm? और फॉर रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन के लिए इसका स्किन जो है मॉइस्ट होता है ओके एक्सटर्नल ईयर इज अब्सेंट बट टिफेनम इज प्रेजेंट एक्सटर्नल ईयर जो है उसके अब्सेंट होते हैं लेकिन टिम्फेनम इज प्रेजेंट टिम्फेनम दिख रहा है आपको ये फ्रॉक का स्ट्रक्चर दिया है बा, बाजू में साइड में देखिए आप hmm? उसमें टिम्फेनम दिखा दिखाया गया है hmm? ये टिम्फेनम क्या है ये है उसका Uh, टिम्फेनम जो है ये एक्सटर्नल ईयर के ईयर का काम करता है ओके नेक इज अब्सेंट उसका नेक दिख रहा है आपको नेक है ही नहीं उसको आईज आर प्रोमिनेंट विथ आई लीड्स आईज दिख रहे हैं आईज hmm? कैसे उसके? Hmm? है उसके प्रोमिनेंट है विथ Uh, उसके आईलिड भी है मतलब ऊपर का जो आ, ये होता है ना झांकने का वाला जो हमारे आई का आ, ये वैसे ही उसका रहता है सो नेक इज बट आर प्रोमिनेंट विथ आई लिड्स आई लिड्स होते हैं उसके एग्जाम्पल क्या है फ्रॉग है टोड़ है जो बाजू में दिया है साइड में दिया है सेलेमेंडर एटसेट्रा सेलेमेंडर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ क्लास एम्फीबिया नेक्स्ट यू सी द क्लास रेप्टिलिया रेप्टाइलिया तो ये रेप्टाइलिया मतलब रेप्टाइल करता है ये आपको समझ में आ गया होगा सो अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ एनिमल इवोल्यूशन एनिमल का जब जैसे जैसे धीरे धीरे विकास होते गया दीज आर फर्स्ट टू टेरेस्टोरियल एनिमल ये जो है पहला टेरेस्टोरियल एनिमल है ओके विथ क्रीपिंग मूवमेंट और ये कैसी मूवमेंट है इसकी क्रीपिंग मूवमेंट है क्रीपिंग मतलब जमीन पे ऐसे क्रिप क्रिप करता है ये दीज आर कोल्ड ब्लडेड ये भी जो है कोल्ड ब्लडेड है मतलब साइड के टेम्परेचर को एक्सेप्ट कर लेता है देन दे क्रीप ऑन द लैंड एज एज देयर बॉडी कैन नॉट बी लिफ्टेड अप और ये जो है क्रीपिंग करता है मतलब uh, जमीन पर क्रीपिंग uh, करता है उड़ नहीं सकता है कैन नॉट बी लिफ्टेड अप ओके लिफ्टेड अप यानी उड़न नहीं जानता है। उसकी कैसे होती है, होती है वैसे टाइप के स्केल्स उसके शरीर के ऊपर होते हैं नेक इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक हेड और ट्रंक के बीच में आपको नेक दिख रहा है इसमें हा? ये एग्जाम्पल दिया है वाली वाली आपने देखा ही होगा हु? तो ये लिजार्ड जो देख रहे हो आप पिक्चर देख रहे हो उसमें हेड और ट्रंक के बीच में जो है उसका नेक दिख रहा है सो hmm. uh, so, नेक इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक एक्सटर्नल ईयर इज अपसेंट इसके एक्सटर्नल ईयर जो है अपसेंट है उसको दिख ही नहीं रहे है वो सो hmm. so, डिजिट डिजिट्स आर प्रोवाइड्स विथ क्लॉज और उसके क्लॉज भी दिख रहे हैं हमको यहाँ पे hmm. एग्जाम्पल क्या है टॉटाइज है लिजार्ड है स्नेक है एटसेट्रा दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लास रेप्टिलिया ओके नेक्स्ट इज द क्लास एव्ज सो दीज वर्टिब्रेड्स आर कंप्लीटली एडोप्टेड फॉर एरियल लाइफ ये पूरी जो है एडोप्टेड एडोप्टेड फॉर अ एरियल लाइफ बाहर हवा में uh, उड़ते हुए दिखता है ये जो वर्टिब्रेट है उड़ता हुआ दिखता है हमको दीज आर वार्म ब्लडेड ये जो है वार्म ब्लडेड है नॉट कोल्ड ब्लडेड इट इज अ वार्म ब्लडेड दे कैन मेंटेन देअर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट और इसका जो टेम्परेचर होता है बॉडी टेम्परेचर ये मेंटेन करके रखते हैं ओके देअर बॉडी इज स्पिंडल शेप आपको दिख रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल uh, भी दिख रहा है यहाँ साइड में hmm? पी जी का सो दैट्स बॉडी इज सिम स्पिंडल शेप टू मिनिमाइज एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फ्लाइट और ये जो है मिनिमाइज एयर रेजिस्टेंस होते हैं ड्यूरिंग फ्लाइट जब फ्लाइट करते हैं मतलब उड़ते हैं तब ये uh, अपना जो बॉडी uh, को जो है एयर रेजिस्टेंस करके रख कर, करते हैं ओके देन फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इन टू विंग्स फोर लिम जो होते हैं हाँ मतलब हमारे पैर या हाथ जो बोलते हैं हम लोग तो वैसे ही ये जो एनिमल्स होते हैं तो एब्स जो होते हैं इसके फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इन टू विंग्स वो विंग्स में होते हैं डिजिट्स आर कवर्ड विथ स्केल्स हाँ, और पूरा बॉडी जो है किससे स्केल से कवर्ड होता है एंड बीयर क्लॉ और क्लॉबी होते हैं क्लॉथ होते हैं सो एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फिदर एक्लेटन जो है इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक के बीच में नेक होता है वो हमको बिल्कुल दिखता है जॉज आर मॉडिफाइड इन टू बीक और, और जॉज के जगह पे मतलब मुंह के जगह पे क्या होता है बीक होता है

जो है फीडिंग करता है ये अपने बच्चों को सो प्रेजेंट ऑफ अ मेमरी ग्लैंड इज टिपिकल कैरेक्टर ऑफ मेमेलिया मेमेलिया का टिपिकल कैरेक्टर क्या है मेमरी ग्लैंड है इसमें दीज एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड ये जो एनिमल्स है ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स है नेक्स्ट बॉडी इज डिवाइडेड इन टू बॉडी जो है उसकी डिवाइड uh, कितने इसमें होती है हेड होता है नेक होता है ट्रंक होता है और टेल होता है उसको ठीक है 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 पिक्चर दिखाया का का बैट का, so, बैट सो आईज़ दिख 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 रही है, आपको, दिख है, दिख रही आपको लेग्स रहे है, हैं बॉडी और पैटेगियं, पैटेगियं उसके पंख जो है 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 वो दिख रहे हैं सो so, बॉडी डिवाइडेड हेड हेड भी 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 इसको नेक भी है, ट्रंक क्लॉज और टेल भी है. डिजिट्स आर Whose? ये आपको पिक्चर में दिख रहा है इधर एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ हेयर और फर एक्सोस्केलेटन कैसा होता है इसका हेयर से बना होता है फॉर्म ऑफ अ हेयर और फिर फर होते हैं उसके ठीक है एग्जाम्पल्स आर एलिफेंट ह्यूमन कांगारूज डॉल्फिन बैट एटसेट्रा हाँ वी आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मेमेलिया ओके एलिफेंट भी है कांगारू भी है डॉल्फिन है बैट है एटसेट्रा नेक्स्ट यू सी हियर यूज यूर ब्रेन पावर एनिमल लाइक घड़ियाल या क्रोकोडाइल लिव इन अ वॉटर एज वेल एज ऑन अ लैंड आर दे एम्फीबियंस आर रेप्टाइल्स देयर इज अ क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इट ये एम्फीब yes. uh, ये जो है um, घड़ियाल और क्रोकोडाइल ये कैसे एनिमल्स हैं जो लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं आर दे एम्फीबियंस और रिप्टाइल्स हम आंसर इज व्हाट यस एनिमल लाइक्स वेल है वालरस है लाइव इन वाटर हम व्हेल से वालरस है ये जो है कहाँ पे रहते हैं पानी में रहते हैं हम सो वेयर एज दे आर इंक्लूडेड इन 피सेस आर मैमेलिया ये जो है ये आ, वाटर में रहते हैं और इसे आ, ये क्या क्लास पीसेस और मेमेलिया में आ सकते हैं यू हैव टू फाइंड आउट दैट आंसर ओके सो दैट इज द एंड ऑफ दिस लेसन एंड वी टेक अ नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट टाइम थैंक यू हैव नाइस डे